भले ही वह संविधान की कस्में खाते हैं, बापू की कस्में खाते हैं, समाधियों पर जाते हैं, लेकिन उनका काम हमेशा उल्टा रहा है। उन्होंने संविधान को हमेशा खत्म करने की बातें की। उन्होंने हर एक बापू के मारने वाले हथियारों को जायज ठहराने की कोशिश की, जो कि किसी भी देशभक्त के लिए कहीं भी एक तरीके से अस्वीकार्य है। नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के अंबाड़ी रोड सिग्नल के यहाँ। यहाँ अभी संविधान बचाओ समिति के बैनर तले एक छोटा प्रदर्शन किया गया। हम सभी जानते हैं कि आज 30 जनवरी हमारे देश के महान महात्मा बापू महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। किस तरह से सालों पहले एक जुल्म के हाथों बापूजी शहीद हुए और उनको लोग यहाँ याद कर रहे हैं। वो जब समय था, उसके बाद सालों साल तक बापू को लोग याद करते आए और आगे भी सालों साल तक करते रहेंगे। लेकिन आज एक ऐसा दौर आया है कि कुछ लोग ऐसे इस देश में पनपे हैं, वो लोग बापू के हत्यारे की हिमायत करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज आज की पीढ़ी जो इस चीज को समझ रही है, वो इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है और यही विरोध प्रदर्शन यहाँ वसई में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ अभी इस संविधान बचाओ समिति के सदस्य मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोइन है। मोइन सर, आपने अभी संविधान बचाओ समिति के बैनर तले कुछ प्रदर्शन किया है, क्या है बताइए। देखिए, ऐसा है कि 30 जनवरी का दिन पूरे देश में हमेशा से 1900 जब से गांधी जी की हत्या हुई तब से लेकर इसे हम शहादत दिवस के तौर पर मनाते आए हैं, क्योंकि उस दिन भारत किस दुराहे पर तब खड़ा था और आज भी खड़ा है। उस दिन भी हमें तय करना था कि भारत या तो एक धार्मिक उन्मादी राष्ट्र में बदलेगा या स्वतंत्र रूप से संविधान के को मानते हुए एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा। वो तब भी था और आज भी है। आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो तब हमारा नवोदित राष्ट्र था, बन रहा था। आज एक समृद्ध राष्ट्र होने के बाद हम एक ऐसे रास्ते पर ढकेले जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो पार्टी जो इस पूरे विचार को मानकर चलती है, भाजपा, वो मानकर चलती है कि भारत एक धार्मिक राष्ट्र बनना चाहिए। भले ही वह संविधान की कस्में खाते हैं, बापू की कस्में खाते हैं, समाधियों पर जाते हैं, लेकिन उनका काम हमेशा उल्टा रहा है। उन्होंने संविधान को हमेशा खत्म करने की बातें की। उन्होंने हर एक बापू के मारने वाले हथियारों को जायज ठहराने की कोशिश की, जो कि किसी भी देशभक्त के लिए कहीं भी एक तरीके से अस्वीकार्य है कि कोई भी जो गांधी का कातिल है उसे हम देशभक्त कहें, उसे हम माने कि वो देश हित में ये काम किया, यह हम अस्वीकार करते हैं। हर एक जो भारतीय है, हर एक जो देशभक्त है, वो गांधी के इस शहादत को शहादत मानेगा और सामने वाले को कातिल ही मानेगा। आपने अभी पार्टी का नाम लिया, इसके लिए सवाल लाजिम हो गया कि आपने पार्टी का नाम लिया भाजपा की, क्या मानने उनका क्या मानना है वो आपने बोला, तो आप किस पार्टी के बैनर तले यहाँ खड़े हुए, ये जवाब। अभी देखिए, हम यहाँ पर जो हमारा समूह है संविधान बचाओ समिति, इसके अंदर विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, विभिन्न दल के लोग हैं, विभिन्न सोच के लोग हैं, लेकिन इनका एक निष्ठ विश्वास संविधान में है। इसलिए हम यहाँ पर जो खड़े हुए हैं वो संविधान बचाओ समिति की तरफ से, और हम संविधान बचाओ समिति के एक सदस्य के तौर से आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्या जहाँ आपने भाजपा का नाम लिया तो वहाँ भाजपा का नाम नहीं लिया जाकर क्या इस तरह से हम बात नहीं कर सकते थे कि देश के, जैसे मैंने पहले कहा, चंद लोग जो है, भाजपा में भी अच्छे लोग हैं लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो गलत को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हमारा विरोध उनकी तरफ है या पार्टी को लेकर आप टारगेट? नहीं, हमारा विरोध देखे कैसा है कि मैं बोलूंगा कि आप
आज 30 जनवरी है, 30 जनवरी के दिन उनके पास भी मौका है ना, आप आइए सड़कों पर इस तरीके से उसके डिस्कार्ड करिए कि जो लोग कातिल थे हम उनकी मुखालफत करते हैं, उसे जायज ठहराइए नहीं। आइए, आपके पास मौका है, पिछले 10 सालों से मौका है, अभी भी मौका है, आज भी मौका था, आप बता दीजिए कि किस कोई भी एक तरीके का इस तरीके का आयोजन कहीं पर किया गया हो। अगर आयोजन किया जाता तो मैं मानता कि भाई उनका गांधी के अंदर विश्वास अडिग है, जैसा हमारा गांधी में विश्वास अडिग है। लेकिन आज इतने लोग जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, आप क्या सोचते हैं कि आपकी आवाज आगे तक जाएगी? देखिए, बात ऐसा है कि मैंने क्या बोला कि जब नवउदित राष्ट्र था तब भी हमारा ये मानना था कि हम आगे जाएंगे। आज भी हम इससे शोकांतिका कहेंगे कि जो लोगों ने, जिन विचार के लोगों ने भारत में हमेशा ब्रिटिश राज की हिमायत की, वो लोग आज सत्ता पर बैठे हुए हैं। भले ही रात अंधेरी है, काली है, बहुत काली है, लेकिन सच का सूरज तो जरूर उगेगा और उसे कोई नहीं रोक सकेगा। तो हम बात कर रहे थे अभी संविधान बचाओ संघीय समिति के इन सदस्य से, इन्होंने अंत में जाते जाते एक ऐसी बात कही कि जो विचारणीय है, इन्होंने सीधा ये कहा कि अभी जो दौर है वो उस काली रात के जैसा है, अमावस की जो रात होती उसकी तरह है, और जरूर आने वाले समय में एक नया सूरज उगेगा। तब इनका इशारा किस तरफ है, क्या ये चुनावी इशारा है या क्या है, आगे आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।